फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब 3D डिज़ाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है जो न्यू टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर के बारे में है, क्या वो आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या क्या वो नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करेगी, क्या फ्यूचर में आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर का क्या एडवांटेजेस है, क्या यूजेस है। सो आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटर फ्यूचर ऑफ द आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री ? क्या फ्यूचर में 3D प्रिंटर यूज़ होगा, क्या 3D प्रिंटर यूज़ अभी हो रहा है आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में, ये सभी क्वेश्चंस आज हम 3D प्रिंटर के बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो 3D प्रिंटर फ्यूचर में क्या आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में एडॉप्ट होगा या क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इसके बारे में हम जानने से पहले 3D प्रिंटर क्या है उसका मैं बेसिक आपको जो वो नॉलेज दे देता हूँ। सो फॉर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इमेज इनटू द 3D सरफेस, तो 3D प्रिंटर क्या है जो हमारा 2D डिज़ाइन आर्किटेक्चर में होता है, प्लान है, 3D मॉडल्स है, 3D एलिवेशन है, उसको वो 3D सरफेस में 3D कंसेप्चुअल मॉडल में वो कन्वर्ट करता है। सो 3D प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मार्किंग 3 डायमेंशन सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। द क्रिएशन ऑफ 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट बाई लेयर, वो लेयर बाई लेयर आप इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो ये पूरा 3D प्रिंटर है जो हमें 2D प्लान या डिज़ाइन या कोई भी आइटम को हमें उसकी डिज़ाइन हम अप्लाई करते हैं वो लेयर बाय लेयर उसको वो 3D मॉडल में कन्वर्ट करता है। सो कंसेप्चुअल 3D मॉडल में वो कन्वर्ट करता है। सो ये इस वीडियो के थ्रू हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा 3D प्रिंटर जो डिज़ाइन के थ्रू वो लेयर वाइज वो 3D मॉडल डेवलप करता है। सो कंसेप्चुअल मॉडल डेवलप 3D मॉडल डेवलप करने के लिए हमें 3D प्रिंटर यहाँ पे काम या उसका एडवांटेज ये है, पूरा एडवांटेज ये है 3D मॉडल में वो पूरी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये पूरा 3D प्रिंटर हमारे विजुलाइजेशंस के लिए और ये पूरा मॉडल हमें यहाँ पे ऐसे हमारे डिज़ाइन एज पर अवर डिज़ाइन वो ऐसे एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों की वो हमें कंसेप्चुअल मॉडल तैयार करके देता है हमारे हेस पर योर रिक्वायरमेंट योर डिज़ाइन। सो ये मॉडल साइट प्लान ये सब पूरा हमारी जो प्लान है हमारा जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन को लेयर वाइज लेयर वो 3D में कन्वर्ट करता है। सो ये पूरा 3D प्रिंटर उसमें यूज़ होता है। सो 3D प्रिंटर फ्यूचर ऑफ द आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री, क्या आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर कैसे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होगा फ्यूचर में। सो इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारे 5-6 पैरामीटर्स है उसको जान लेना पड़ता है। सो ये 3D प्रिंटर कंसेप्ट स्केल मॉडल, वो 3D प्रिंटर कंसेप्चुअल मॉडल बनाने के लिए जो तैयार होता है वो लार्ज स्केल में भी डेवलप्ड होता है और स्मॉल स्केल में भी मॉडल प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 3D प्रिंटर का आर्किटेक्चरल पर्पस से। जो हमारी डिज़ाइन थे एलिवेशन जो होता है उसको लार्ज स्केल में और स्मॉल स्केल में वो इंक्लूड कर देता है द मॉडल। सेकंड है हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर, हमारा जो डिज़ाइन है वो 3D मॉडल हैस पर अवर डिज़ाइन वो हमें 3D मॉडल करके देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एफिल टावर जो यहाँ पे बन रहा है हैस पर माय डिज़ाइन। सो ये पूरा एक्सटीरियर और इंटीरियर इन्फॉर्मेशंस देता है प्रोजेक्ट के बारे में, आपको मॉडल कंसेप्चुअल करता है। कंप्यूटर ड्राइंग इवॉल्व फ्रॉम हैंड राइटिंग और फोटो रियलिस्टिक रेंडर, क्या होता है कि हमारे पास जो उसका 3D रियलिस्टिक फोटो रेंडर होता है और 2D प्लान होता है, इसमें क्या होता है विजुअलाइजेशन क्वालिटी जो वो हमें प्रोवाइड करके देता है। सो क्लाइंट को 3D प्रिंटर से या 3D यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्लान हमने यहाँ पे 3D मॉडल के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया है। सो ये पूरा 3D विजुअलाइजेशन क्वालिटी हमको क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। सो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शंस और यहाँ पे आप कोई बिल्डर या कोई बिल्डर की साइट चल रही हो आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे 3D प्रिंटर का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से हम आपको मॉडल पूरा बना के देंगे। तो ये पूरा क्लाइंट को भी समझ आएगा और ये सब पूरी
जो 3D प्रिंटर है फ्यूचर में वो 3D मॉडल को बनाने के लिए बहुत ही उपयोग, यहाँ पे एडवांटेजेस उसके बहुत ही है। सो 3D प्रिंटर फ्यूचर ऑफ द आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री ? यस, 3D प्रिंटर फ्यूचर में बहुत ही उपयोग होने वाला है और उसमें लार्ज स्केल में भी बिल्डिंग बन रही है, कनाडा है, जर्मनी है, उसमें यहाँ पे 3D प्रिंटर हाउस बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है। जर्मनी की फर्स्ट होम बिल्डिंग है जो हमने आपको दिखाई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 3D प्रिंटर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जर्मनी में है। सो ये पूरा 3D प्रिंटर कैलिफोर्निया में है, 3D प्रिंटिंग यहाँ पे पूरा हाउस बिल्डिंग यहाँ पे हम लार्ज स्केल में यहाँ पे बना सकते हैं। सो 2030 तक 3D प्रिंटर की टेक्नोलॉजी पूरी बिल्डिंग हाउस यहाँ पे बना सकती है। सो ये पूरी फ्यूचर ऑफ द 3D प्रिंटर है।